इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। लालू की बेटी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे, पीएम के साथ कई और नेता हवालात में होंगे। मीसा भारती के बयान पर बीजेपी काफी ज्यादा भड़की हुई है। विजय सिन्हा की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि चुनाव बाद पता चलेगा कि कौन जेल में होगा। मीसा के इस बयान से बिहार में काफी ज्यादा सियासत जो है वो तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें, पूर्व सीएम राबड़ी देवी की लाडली और वर्तमान में राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा कि अगर जनता के समर्थन से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल में होंगे, उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी हवालात के अंदर होंगे। भाजपा नेता और नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, कौन जेल में होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा, एक एक चीज की हिसाब देना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान मनेर में मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री हम लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं, हमें भ्रष्टाचारियों के जमात बताते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी, किसानों को फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का वादा किया गया था लेकिन उन तमाम लोगों को ठगा गया, इसीलिए जब चुनाव होंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि जेल में कौन होगा और कौन नहीं।